मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी इज़ अ वॉलंटियरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज़ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स हु कॉन्स्टिट्यूट इट, capable of rights and duties of its own and endowed with the potential of perpetual succession. The Companies Act 1956 states that company includes company formed and registered under the act of or an existing company, a company formed or registered under any of the previous company laws. कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसके संयुक्त स्कंद में किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे मुद्रा या मुद्रा के तुल्य अंशदान करते हैं। इसका निर्माण एवं समापन अधिनियम द्वारा होता है। वे व्यक्ति जो पूंजी में अंशदान करते हैं कंपनी के सदस्य या अंशधारी कहलाते हैं, तथा पूंजी का वह आनुपातिक भाग जिसका कंपनी का प्रत्येक सदस्य स्वामी होता है उसका अंश कहलाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित एवं पंजीकृत कंपनी से है अथवा एक ऐसी विद्यमान कंपनी से है जिसका निर्माण एवं पंजीयन इस अधिनियम के पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। सामान्य अर्थ हम देखें तो कंपनी का आशय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों या अंशधारियों से पृथक अस्तित्व एवं सतत उत्तराधिकार होता है, जिसका निर्माण किसी व्यवसाय से लाभ अर्जित करने हेतु होता है और जिसकी एक सार्व मुद्रा होती है। फीचर्स ऑफ अ कंपनी: रजिस्ट्रेशन, वॉलेंटरी एसोसिएशन, लीगल पर्सनैलिटी। अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, बट अ स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज फॉर्म्ड एंड कॉमेंस बिजनेस एज नोटिफाइड और स्टार्टेड इन द एक्ट एंड इज पास्ड इन लेजिस्लेशन। इन केस ऑफ पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। कंपनी समामेलन कंपनी जो अधिनियम है पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों में उल्लेख होने के बाद एक लीगल तौर पर जब रजिस्ट्रेशन किसी कंपनी का होता है तभी वह कंपनी का निर्माण कर सकती है, तभी यह कंपनी का निर्माण होता है। और जो पार्टनरशिप है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। वॉलंटियरी एसोसिएशन: ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स ऑन अ वॉलंटियरी बेसिस, देयरफॉर अ कंपनी इज फॉर्म्ड बाय द चॉइस एंड कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। एक वॉलंटियरी के रूप में भी कुछ लोगों के द्वारा एक कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। लीगल पर्सनैलिटी: अ कंपनी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज अ सिंगल पर्सन, इट हैज़ अ लीगल पर्सनैलिटी। दिस रूल अप्लाइज इवन इन द केस ऑफ वन मैन कंपनी। एक व्यक्ति के द्वारा भी कंपनी का निर्माण, अ सिंगल पर्सन भी एक कंपनी का निर्माण कर सकता है, और जो कि एक लीगल पर्सनैलिटी होगी और जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग होगी और वो वन मैन कंपनी होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी: अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी इन इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटी कैन नॉट बाइंड द कंपनी इन एनी वे। द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एंड कैन बी एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट: अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर। दीज पर्सन्स आर सेलेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट
and the articles of association of the company. A shareholder as such cannot participate in the management. कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होता है और शेयर होल्डर्स उसके मैनेजमेंट में शामिल नहीं हो सकते हैं. परमानेंट एग्जिस्टेंस. The company has perpetual succession. The death or insolvency of a shareholder does not affect its existence. A company comes into and only when it is liquidated according to provision of the Companies Act. किसी shareholder की death होने या उसका insolvency होने पर company पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. Company केवल liquidation के आधार पर, प्रोविज़न के आधार पर ही कंपनी का समामेलन हो सकता है, कंपनी का समापन हो सकता है. काइंड्स ऑफ कंपनीज. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉर्मेशन द कंपनीज आर ऑफ थ्री काइंड्स. चार्टर्ड कंपनीज, स्टेटरी कंपनीज एंड रजिस्टर्ड कंपनीज. Chartered companies, those companies which are incorporated under a special charter by the king or sovereign, such as East India Company. Such companies are rarely formed nowadays as trading companies. जैसे हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो कंपनी चार्टर्ड कंपनीज हैं और अभी फ़िलहाल वो रेयरली ही इस तरह की कंपनी बनती है. स्टेटरी कंपनीज. दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के थ्रू जिसका फॉर्म किया जाता है, वो कंपनी स्टेटरी कंपनीज कहलाती हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन आर इज द एग्जांपल्स ऑफ दीज कंपनीज. दामोदर वैली कॉरपोरेशन. रजिस्टर्ड कंपनीज. सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और वर रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट. एंड रजिस्टर्ड कंपनीज आर हु इज द रजिस्टर्ड कंपनी. द सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कि 1956 और वर रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी एक्ट. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइबिलिटी देर आर थ्री काइंड्स ऑफ कंपनी. लाइबिलिटी के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है. पहला है लिमिटेड कंपनी, दूसरा गारंटी कंपनी एंड थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनीज. लिमिटेड कंपनी वह कंपनी है जिसका कि सीमित दायित्व है. इन केस ऑफ सच कंपनीज द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम. सपोज अ टैक्सर शेयर ऑफ रुपीज 10, ही रिमेन्स लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट. ओनली दिस अमाउंट तक ही कंपनी लाइबल है. एज सून एज दैट अमाउंट इन पेड इज नो मोर लाइबल. एक सीमित दायित्व वाली कंपनी जिसका दायित्व केवल शेयर के अमाउंट तक ही सीमित है, टैक्स शेयर 10 rupees एंड देन ही दैट कंपनी लाइबल ओनली फॉर 10 rupees. दस the company is liable for only 10 rupees. He is no more liable. Guarantee companies, the liability of the member of such companies is limited to the amount he has undertaken to contribute to the assets of the company in the event of its wound up. This guaranteed amount is limited to fixed sum which is specified in the memorandum. जो कि memorandum में जिसको specific कर दिया गया है जितनी amount तक, वो उस amount तक liable है, उस amount तक उसने उस company की guarantee है. Unlimited companies, they are nothing but large partnership registered under the Companies Act and the members, just like partners, have unlimited liability and both share contribution as well as their property are
at stake when the company is to be wound up. Such companies are rare these days. इस तरह की कंपनियाँ का आजकल rarest ही होती हैं. From the point of view of public investment, companies may be of two kinds. First of all, private companies, and second of all, public companies. What is private company? Private company means a company which by its articles restricts the right to transfer its shares, limits the number of its members of 50, excluding past or present employees of the company who are also members of the company, prohibits any invitation to the public to subscribe or any shares in our debentures of the company. ये तीनों ही चीज़ें जिस कंपनी के लिए में हो वह एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेंबर्स की संख्या निर्धारित है, लिमिटेड है जिसकी, जिनके राइट्स लिमिटेड हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी है. पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर नॉट प्राइवेट कंपनीज. ऑल द थ्री अबोव रेस्ट्रिक्शंस आर नॉट इम्पोज ऑन सच कंपनीज. जो इन जिन कंपनियों के लिए ये तीन रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे वो एक पब्लिक कंपनी होगी, वो एक सार्वजनिक कंपनी होगी. शेयर कैपिटल इशू एंड फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स.